फिंगर प्ले डियर स्टूडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में फिंगर प्ले के हवाले से बात करनी है हम फिंगर uh, प्ले के रोल लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से उस पर हम डिटेल से बात करेंगे फिंगर प्ले इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर फ़ाइन मोटर स्किल्स जो बॉडी मूवमेंट्स हैं या फिंगर्स की फ़ाइन मोटर स्किल्स के हवाले से uh, हम इनको यूज़ करते हैं सच एज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स तो फिंगर्स का इस्तेमाल हम छोटे चोट छोटे ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए उससे मुख्तफ वर्ड्स uh, बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या उस तरह उनको हम इस्तेमाल करते हैं और ये एक असेंशल uh, कंपोनेंट है फाइन मोटर स्किल्स की डिवेलपमेंट के हवाले से और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस मेकिंग फिंगर प्ले ख़ास तौर पर जो फिंगर्स uh, की मूवमेंट है वो राइटिंग स्किल्स सिखाने के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग के हवाले से उसके लिए हम यूज़ करते हैं और uh, इसका इसका जो यूज़ है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फिंगर प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फिंगर प्ले कैन इनकॉर्पोरेटेड इन करिकुलम थ्रू एक्टिविटीज़ सच एज़ फिंगर पेंटिंग फिंगर के ज़रिए पेंटिंग करना ड्राइंग विद स्मॉल यूटेंसिल्स लाइक पेंसिल्स और मार्कर्स छोटे छोटे टूल्स से आपने ड्राइंग uh, करना उनको यूज़ करना यूजिंग बीड्स एंड ब्लॉक्स टू क्रिएट डिज़ाइंस बटन्स और बीड्स का इस्तेमाल करना छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने के लिए एंड मैनुपलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक बटन्स और हुक्स तो छोटे ऑब्जेक्ट्स और बटन्स या हुक्स को चेंज करके उनसे उनको चेंज करना उनसे ब्लॉक्स बनाना या मुख्तफ शेप्स बनाना फिंगर प्ले बेनिफिट्स डियर स्टूडेंट्स इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं फिंगर uh, प्ले की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम कुछ इस तरह के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं चिल्ड्रन कैन डिवेल्प आई आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स तो आई एंड हैंड्स का जो कॉन्टैक्ट है वो फिंगर प्ले के ज़रिए वो गेन कर सकते हैं एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर देयर एक्डेमिक एंड पर्सनल लाइफ्स तो जो उनकी एक्डेमिक और पर्सनल लाइफ्स में भी जो फ़ाइन मोटर स्किल्स हैं जो अच्छे मोटर स्किल्स हैं मोशन की मूवमेंट्स हैं वो इससे सीखते हैं और उनमें क्रिएटिवटी की ओपरचुनिटीज़ फ्राहम करते हैं ये स्किल्स और सेल्फ एक्सप्रेशन वो पेंटिंग के ज़रिए या किसी और ज़रिए से जिसमें फिंगर्स का यूज़ हो रहा है ब्रश के साथ या पेंसिल्स के साथ तो वो उसका अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन यानी अपने अपने ख्याल का इजहार या अपने इमोशंस का इजहार करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एज दे दे एक्सपेरिमेंट विद मटेरियल्स टू क्रिएट ऑन डिज़ाइंस तो डिफरेंट डिज़ाइंस को भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी फिंगर प्ले से हम सीख सकते हैं या बच्चों को सिखाए जा सकते हैं एक्टिविटीज़ फॉर फिंगर प्ले तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो यूज़ की जाती हैं फिंगर प्ले के हवाले से हम उनको देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको टीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं उनके करिकुलम और फिंगर प्ले को प्रमोट करने के लिए मसलन टीचर्स कैन प्रोवाइड चिल्ड्रन विद प्ले डोश वो जो मटेरियल या जो आटा सा या हो इस तरह का मटेरियल होता है जिसको जो जिस जो भी शेप देना चाहें उसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तु कलर्स में वो बच्चों को मुख्तफ शेप्स में मोल्ड करने में उनकी हौसला अफजाई करता है और उसको डिफरेंट शेप्स से बच्चे बनाते हैं क्यूब्स बना सकते हैं ट्राइंगल्स बना सकते हैं एनिमल्स की शेप्स बना सकते हैं सो दे कैन आल्सो गिव क्रियान्स मार्कर्स पेंट एंड पेपर मेक क्रिएटिव थ्रू आर्ट तो उसमें वो मुखलिफ़ क्रिएटिव चीज़ें क्रिए से मार्कर से पेंट से पेपर पर वो बना सकते हैं फिंगर प्ले को यूज़ करते हुए यानी फिंगर प्ले की एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए कंड्यूसिव इन्वामेंट फॉर फिंगर प्ले तो एक्चुअली क्लास रूम में जो फिंगर प्ले का इन्वायरमेंट है वो टीचर ने बनाना होता है और कन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट कैन बी अचीव बाई प्रोवाइडिंग चिल्ड्रेन विद सूटेबल मटीरियल एंड टूल्स तो मुखलिफ मुनासब टूल्स और सूटबल uh, मटीरियल बच्चों को फ्राहम करके हम क्लास रूम में ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड एनश्योरिंग दैट देव सफिशेंट स्पेस टू वर्क तो क्लास रूम में सफिशेंट स्पेस और काम करने के लिए बच्चों के लिए ग्रुप्स में पेयर्स में या सिंगल वो होना चाहिए सो टीचर्स कैन ऑल्सो क्रिएट कम्फर्टेबल एंड स्टमुलेटिंग एटमोसफियर फॉर प्लेंग म्यूजिक और म्यूजिक प्ले के हवाले से भी जो टीचर्स हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं या उनको करना चाहिए एक स्यूटेबल स्टिमुलेटिंग यानी तहरीक पैदा करने वाला इन्वायरमेंट फ्राहम करें जिसमें सेंसरी मटीरियल्स लाइक सैंड एंड वाटर इस तरह की चीज़ें जो है उनको यूज़ करके वो ये इन्वामेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फिगर फिंगर प्ले इन करिकुलम। हम करिकुलम को फिंगर प्ले में कैसे इंटीग्रेट uh, कर सकते हैं तो टीचर कैन इंक्लूड एक्टिविटीज प्रमोट फिंगर प्ले इन टू वेरियस सब्जेक्ट्स एरियाज मतलब साइंस में मैथ में uh, और लैंग्वेज आर्ट में वो यूज़ कर सकते हैं देखिए साइन लैंग्वेज जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए या दूसरे बच्चों के लिए लैंग्वेज सिखाने के हवाले से साइन लैंग्वेज के भी मीनिंग्स होते हैं और वो भी फिंगर्स के जरिए वो बताते हैं और चिल्ड्रन कैन यूज स्मॉल ब्लॉक्स टू क्रिएट पैटर्नस पैटर्नस बनाने के लिए वो स्मॉल ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं और यूज़ प्ले डोश या मुख्लिफ़ ऐसा मटीरियल फ्लैक्सीबल यूज़ करके वो उनकी मुखलिफ शेप्स को बना सकते हैं साइंस के के हवाले से या डिफरेंट कॉन्सेप्ट में असेसमेंट ऑफ फिंगर प्ले तो असेसमेंट ऑफ फिंगर प्ले के हवाले से भी टीचर को ये स्किल्स आने चाहिए कि वो उनकी बच्चों की फिंगर प्ले के ज़रिए बनाई गई या की गई एक्टिविटीज़ की कैसे असेसमेंट करे तो उसमें टीचर्स में नेसेसरी टीचर स्किल होने चाहिए और स्टूडेंट्स में भी टीचर इसके लिए वो मुखलिफ टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे ऑब्जरवेशन हो गई दूसरे कुछ और टूल्स हो सकते हैं यूजिंग लिस्ट और रूब्रिक्स रूब्रिक्स यानी उसको मैयर करने के लिए रेंज होती है पॉइंट्स की ये और एंड एंड द कीपिंग पोर्टफोलियोस तो पोर्टफोलियोस की कलेक्शन भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक टूल है असेसमेंट का तो ये था डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको फिंगर प्ले के हवाले से उस तमाम एक्टिविटीज को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लास में और किस तरह हम उनकी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं फिंगर प्ले की एक्टिविटीज़ से